आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज की बेहद खास पेशकश टीडी सोशल शेयर। हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं जहां विश्व पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है और लोगों का मोबाइल और टैबलेट जैसे गैजेट के आदि हो चुके हैं। वयस्कों और युवाओं को कौन कहे, बल्कि बच्चे भी मोबाइल फ़ोन के ज़िंदगी का हिस्सा बना चुके हैं। युवाएं सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो बच्चे ज़्यादातर यूट्यूब। हाल में ही एक शोध के मुताबिक मोबाइल और टैबलेट के स्क्रीन पर इंसानी अंगूठा एक साल में तकरीबन मैराथन यानी 52 मील चलता है। शोध के मुताबिक एक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 49 मिनट सोशल मीडिया पर बिताता है। सोशल मीडिया के साइट जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप स्क्रॉल करने में अंगूठा एक लंबी दूरी तय कर लेता है। ब्रिटेन के एक मार्केटिंग एजेंसी इल्क ने व्यक्तियों के सोशल मीडिया पर बिताए जाने वाले समय के आधार पर यह शोध किया है। अग्रणी फर्म के मोबाइल के लिए थंब रन नामक एक इंटरैक्टिव ऑनलाइन सिमुलेटर बनाया है, जिससे अंगूठे से चले जाने वाली दूरी का पता चलाया जाता है। अध्ययन में शामिल शोधकर्ताओं ने कहा कि इस गणना के जरिए हम यह बताना चाहते हैं कि सोशल मीडिया को हम अपने दैनिक जीवन के रूप में किस तरह अपना चुके हैं और सोशल मीडिया हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है। शोध के बाद यह बताया गया है कि सोशल मीडिया के ज़्यादातर इस्तेमाल से स्क्रॉलर थंब और टेक्स्टिंग थंब हो सकता है। इसमें अंगूठे में दर्द और ऐठन हो सकती है। इसके अलावा अत्यधिक इस्तेमाल से अंगूठे में सूजन आ सकती है और अंगूठा भी मुड़ सकता है। अंगूठे में गठिया भी हो सकता है, जो दर्द से काफ़ी परेशान कर सकता है। डॉक्टर का कहना है इस अंगूठे की हड्डी पर भी गहरा प्रभाव डालता है, जिससे बचने के लिए फ़ोन को कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए। साथ ही वॉइस का फीचर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। शोधकर्ताओं का यह भी कहना है कि मोबाइल और बाकी गैजेट आपके सुविधा के लिए बनी है, इसे बस उतना ही इस्तेमाल करें जितना ज़रूरी हो। लेकिन बढ़ती लत लोगों को और बीमार किए जा रही हैं और लोगों के इस उपयोग के समय निर्धारित होने चाहिए, जिससे लोगों के आँखों के साथ साथ अंगूठे को भी आराम मिल सके। यह पहले ही साबित किया जा चुका है कि बच्चे मोबाइल से कितना प्रभावित होते हैं और उनके शारीरिक स्थिति के साथ साथ उनके मानसिक स्थिति पर भी काफ़ी गहरा प्रभाव डालता है। और यह सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि वयस्कों और युवाओं पर भी असर डालता है। एक शोध के मुताबिक ज़्यादातर युवाओं में आँख की प्रॉब्लम होने लगी है, जिसका मुख्य कारण है सोशल मीडिया पर बीतता हुआ उनका समय। गैजेट हमारी सुविधाओं के लिए बने हैं, उन्हें हमारी परेशानी न बनने दें, उसे इतना ही इस्तेमाल करें जितना ज़रूरी है। नमस्कार, मैं हूँ आरती सिन्हा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि हम आपको देश दुनिया की खबर देते रहें। खबर चाहे खेल की हो, राजनीतिक की हो या कोरोना संबंधित, टीडी न्यूज रखता है आपको सबसे पहले अपडेट।